दिमाग खराब तो नहीं है? तूने इतना बड़ा कदम उठाया भी कैसे? कोई चीज है मैं चपड़े तेरे लगाऊं, तेरी ये नाक सूज के कुप्पा हो जाए, हाँ के तेरी और छोटी छोटी हो जाए? बगैरत नहीं तो तू गई कैसे मुझसे पूछे बगैर उसके घर? मेरी पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर अपना एक्शन प्रोग्राम तरतीब दिया करें। मीसनी है मीसनी, बिल्कुल माँ पर पड़ी है। पर एक बात सुन लो, ये मेरा घर है, मैं यहाँ किसी बदनामी को रास्ता नहीं बनाने दूंगी। ना मुझे अपनी मजबूरियों की दास्तान ना सुनाओ। अच्छा चलते हैं, जा मेरे पैर जाके ना पहले तैयार थी रो क्या। तैयार तो मैं अभी हो गया, देख कुंडल भी पाया मैंने। हाँ है, कुंडलों को परा गोली मार, कांटे कुंटे पा क्या। तुझे नहीं पता इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा शौकिया और अमीर अम्मी है, ज्वेलरी शुलरी तो हम ही पहनती है ना। मैं सबसे पहले सर्दी को इत्तला करूंगी। देखे ना आपकी कली कली थी है, उसको सदमा नहीं होगा तो किसको होगा? और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें अब्बा जी, मैं सर्दी को आपका मुंह दिखाने से पहले पहले बुला लेंगे। बड़े मामू का फोन। सलाम बड़े मामू। ओ मामू नहीं, शीना बोल रही हूँ। शीना जी, आपने कैसे याद कर लिया मुझे? वो ना कमाले, हाय अल्लाह कैसे कहूँ मैं, समझता हूँ जी, बस आपके मुंह से सुनना अच्छा लगेगा मुझे। तू सच कह रहा? दिल में एक तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये मत समझो कि मुझे पता नहीं। मैं भला ये कब कह रही हूँ? वो पता है मुझे कि ये तूफान ना बड़ा ही संगीन और खतरनाक है, पर मैं तो कुछ और ही कह रही हूँ ना। मुझे पता है तुम अपने जिस बात का इजहार करना चाहती हो, तुम शर्माओ नहीं, मैं ना आंखें बंद कर लेता हूँ। कमाले मुझे ना एक मेकअप किट चाहिए, और घटिया ब्रांड की तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सुना? ये क्या कह रही है शीना जी? हाँ ना, कल से मैं जैसे तैसे मेकअप करके चली जाऊंगी, पर परसों अगर किट ना आई तो फिर तुझे पता है मेरा। बस यही कहना था। सारियां गल्लां फोन पे थोड़ी ना हो सकती हैं, हैं? मैं समझता हूँ शीना जी, मगर ना जिस बात के इजहार के लिए फोन बेहतरीन जरिया है। हेलो हेलो, शर्मा गई है कमाले, बात बन गई है, ऐसी तो नहीं फरमाइश की उसने। किसी दिन बातों बातों में इजहार भी कर देगी। ओ मुबारक हो कमाले, मुबारक हो, लगता है मुरादें पूरी होने वाली हैं। गांव की जो बड़ी हवेली है वो तो मैं दुल्हन को तोहफे में दूंगी। वाकई? देखिए पता है हम क्या करेंगे, हम जो है ना गांव की हवेली बेच कर ना शहर में घर लेंगे। हाँ मेरा भी यही प्रोग्राम है, मेरा तो अभी इरादा ही न था जाने का, कल एक दोस्त आया है उधार लेने, उसे सब दे दिए, मेरे पास तो अब किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं। छोटी बहनों ने शहर से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, शायद वो भी ना ले जा सकूँ। ओहो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम सब लेकर जाओगे? भाई देख लो, खाते पीते जमींदार घरानों की लड़कियों की शॉपिंग वो 10-15 हज़ार में तो नहीं होगी, मेरा वादा है तुझसे आते ही सब लौटा दूंगा, बल्कि तेरे लिए भी बहुत कुछ लेके आऊंगा। लेकिन पैसे तो बस यही मिले, तुम ऐसा करो कि ये भी रख लो मेरी तरफ से ना, कोई अच्छा सा तोहफा ले जाना। अच्छा चंद दिनों में मुलाकात होती है। सुनो तो सही, कोई आ रहा है। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, चलें कहीं घूमने फिरने, ऐश मौज करने? जी नहीं, मुझे नहीं जाना, ले जाए ना कौसर बाजी को साथ। और ना भाई ना, वो रोती बसूरती बासी औरत, मुझे तो तू पसंद है।
जरी, जरी। हाँ? कोई काम है? हाँ वो अम्मा किधर है? मामी तो कौसर बाजी के साथ फहमीदा के घर गई हैं। क्यों? इसका मतलब है कि वो अब देर से आएंगी। तुम ऐसा करो कि दरवाजा बंद कर लो। वो कहाँ जा रही है शगो? मुझे एक काम है, मैं अभी आती हूँ, बस तुम दरवाजा बंद कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अरे शगो, तुम इधर कैसे आई? बैठो ना, बैठो। बैठने ही तो आई हूँ। कौसर आपा कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, कहाँ गई है वो? थोड़ी देर पहले तुम्हारे यहाँ जाने का कह के गई है। फिर फहमीदा की तरफ चली गई होगी। चले, खैर मैं चलती हूँ। अरे अरे बैठो ना, कौसर आपा नहीं है, मैं तो हूँ ना। मुझसे कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा? बिल्कुल है। वो मेरा ना गला बहुत खुश्क हो रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। पानी क्यों, बोतल पिलाता हूँ। रिश्ता ही तो मजबूत करना है मुझे, खुद को डूबने से बचाने के लिए मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। सबको डबोकर अपनी जान बचानी है मुझे। ये लो शको। ओह शुक्रिया। जल्दी पी लो, फिर कहीं बाहर चलते हैं। बाहर जाकर क्या करेंगे, यहीं बैठकर बातें करते हैं ना। वो तुम्हारी फूफी की बेटी, क्या नाम है उसका, कैसी है वो, क्या कर रही थी? मैं यहाँ फूफी की बेटी की बातें करने नहीं आई हूँ। अगर ऐसी बातें करनी है ना तो फिर मैं चलते हैं। अरे अरे तुम तो नाराज ही हो गई, मैंने इसलिए थोड़ी पूछा था। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो हमेशा ही बहुत प्यारी लगती हूँ। क्या बात है, लेकिन आज कुछ बदली बदली लग रही हो। हाँ सब बदल जाते हैं, हर चेहरे पर नकाब होता है। खैर मैं चलती हूँ। अरे शुरू शुरू मूवी लेके आया हूँ, देखें बैठ के। शरीर बड़ी रौनके शौनके लगने वाली है। ठीक है, ओए बात सुन मेरी, मुझे किसी हकीम शकीम की दुआई नहीं लेनी, मुझे चंगे से डॉक्टर के पास ले जा इस फंक्शन से पहले। और चुप कर जा, चुप कर जा। ले अब्बा जी देख ले, बेटा होके आपका साथ नहीं दे रहा, आपसे दुश्मनी कर रहा है। सच्ची बता रही हूँ, बड़ी रौनके लगने वाली है। और वो जो आप डांस ही देखे बांदरियों के टेलीविजन पे सीढ़ियों पे, वो सारियां मरण जोगियां आ रही हैं, तबाही मचा देंगी, बड़ा मजा आने वाला है। रखो पैर, कुछ नहीं होता, कोई दर्द नहीं होगी। जुलेखा ठीक कह रही है काका, छोड़ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख, ए चलो फंक्शन पे चल, ये चले। अरे मैं कह रही अब्बा जी को फंक्शन कराना, उन्होंने अब्बा जी बेचारे डिग पे। मामूजी नाना जी को गिरा क्यों दिया आपने? नाना जी को, नाना जी तेरे तो खुद फंक्शन की तैयारियों में कड़म करके जा पाए हैं मंजी पे, मेरे बंदे का तो कुछ उम्र निकल गया। दसो जी। ओ पुत्र मैंने कब गिराया है, अब्बा जी तो खुद मुझे ले गिरे हैं। अच्छा अब्बा जी अब लेट ही हो गए, उठ जाओ। ओ चुप, ओ बिस्मिल्लाह, मेरा लड्डू पेड़ा है, मैं सदके में भारी आ जा। ये क्या लायो नाने के लिए छिपाकर में? नाना जी ये मैं ना वो ऐस के अंदर है, वो ये कुड़िये जलेखा जी। बाजी बच्चिया ये संभाल के अलमारी में रख दो, जब मैं रात को बेड टाइम होगा तो मुझे खाने के लिए दे देना। ये मैं रख देती हूँ दादाजी।
ओए खबरदार, मुझे तुम पे तबार ही नहीं है, बस वो रखेगी। क्यों बेटा ठीक है ना? जी जी नाना जी। मैं भी तो देखूं जरा क्या गिफ्ट लेके आया है। मैंने भी वहा ये फंक्शन पे पहन के जाऊंगा। फंक्शन का शौक पड़ा है अब्बा जी को। ए बहुत प्यारा है, शीशा नहीं है अपना ला लेती हूं भाभी जी। ओह हाय लो है मेरे पे जचे। मेरा बच्चा, मेरा सोना है निकाला है मेरी जान। ओहो अमेरिका का सदर लगता है। खुदा के लिए फहमीदा कुछ करो वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। खिजा के पत्तों से भी ज्यादा हल्की हो जाऊंगी। खुदा के लिए कुछ करो। शग्गो मैं तो तुझे बड़ी बहादुर लड़की समझती थी पर तू तो बड़े थोड़े दिल की निकली। घबराना, हौसला कर, फहमीदा के होते तुझे किसी बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं, कहां जाके छुप जाऊं। कहीं जाने की और जाकर छुपने की कोई जरूरत नहीं है। सुन, मैं तुझे दवाई दूंगी, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। बस एक बात है। क्या बात है जल्दी बोल। वो दवाई जरा महंगी है और मैं पहले दाम और फिर काम की कायल हूँ। तो बता कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगी। बस 10,000। 10,000? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? ये तेरा मसला है और जोर जबरदस्ती वाली तो कोई बात है नहीं। काम कराना है तो पैसे ले आ, वरना नहीं तो ना सही। ठीक है कोशिश करूंगी मैं। हाँ लेकिन जरा जल्दी, जितनी देर होगी ना उसमें तेरा ही नुकसान होगा। ठीक है चलती हूँ मैं, एक दो दिन में आऊंगी। पर देख फहमीदा तू दवा तैयार रखना। तू फिक्र ही ना कर मेरी शहजादी। और फहमीदा खुदा के लिए इस बात का जिक्र किसी से ना करना, इस राज को राजी रखना। हाँ हाँ नहीं करती किसी से जिक्र। और सुन तू जल्दी से जा और जाके पैसों का इंतजाम कर और जल्दी आना। जल्दी आ जाए मैं तेरा इंतजार करूंगी। चल फिर तेरी तो देहा। अब बताओ जरा दादाजी से किट हासिल करने का तरीका क्या होगा? ना जो तुम्हारे पास कहाँ से आई बूढ़े बंदर, कल से बोंद है, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही हूँ। मैनू नहीं सी पता कि मोहल्ले से चोर भी रहते हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शीना जी अब आप मान भी जाए ना। ऊपर अब मैं क्या लगा के जाऊंगी कल स्कूल, मैंने तो पुरानी सारी किटें उठा के महल्ले की लड़कियों को बांट दी। शीना जी आप ना स्कूल से छुट्टी कर लें, कसमें अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के ना पूरे शहर में सैर सपाटे कराऊंगा। मोटरसाइकिल? हाँ कसमें अपनी जाती है, आजकल ना महल्ले की सारी लड़कियों की नजर है मुझ पे, पर मैंने कह दिया उनको उसको बिठाऊंगा जिसका कैस पे। पता है बड़ा चिंती है आपसे। चले अब बताओ जरा दादाजी से किट हासिल करने का तरीका क्या होगा? दादाजी को बिना किट उठा के अलमारी में रखने की पता नहीं क्या पड़ी थी, ऊपर से ताला लगा दिया। बंदा पूछे मेकअप की किट लोने क्या करनी है। कमाले पुत्र सारा काम हो गया, मां सदकी जाए। हां जी मामी जी।
चल बड़ी चंगी गल है, ऐसा कर जल्दी से ना अपने मामे के लिए चाय चाढ़ दे, मैं चल रहा है चाय के लिए। चाची अभी तुमने पिछले हफ्ते तो चाय बना के दी थी चाचे को, तो फिर मांग रहा है। नी चुप कर जा, बड़ों की बातों में नहीं बोलते, बड़ी आई टैटर कर रही है। चल पुत बना दे मां सब के जाए और चाय बना ज्यादा नहीं। हाँ, दो मिनट में बन जाती है मामी जी। हाय अल्लाह, मैं कैसे अलमारी खोलूं, कैसे ताला तोड़ू। फिक्र ना कर अब्बा जी, ताला लगाना भूल गए, अलमारी खुली हुई है। हाय सच्चे जी, चल भाज इतो। वाजीवा, आज तो घर में सर्कस हो रही है। मुना लजीजा, ये देखो मैं तेरे लिए क्या लेके आया। मर गई। ये मेरे लिए लेके आया? हाँ। ना, जो तुम्हारे पास कहाँ से आई बूढ़े बंदर? कल से बॉम्बे मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही हूँ। मैनू नहीं पता कि मोहल्ले च चोर भी रहते हैं। चल निवान निवा होकर निकल आती, चल निकल निवान निवा होकर निकल आती, चल निवान निवा होकर निकल आती, चल काम कर अपना। बाजी आप कहाँ फिर रही हैं? शहर के हालात ठीक नहीं, जुलूस आ रहा है। अब तो कोई सवारी भी नहीं मिल रही, जुलूस आ रहा है और सुना है कई गाड़ियां भी जला दी गई हैं। ये तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शहर के हालात का पता है? जब सवेरे घर से निकली थी तब ऐसा नहीं था, और अब उस तरफ कोई जाने को तैयार ही नहीं है। अम्मा घर में परेशान हो रही होंगी, और मुझे घर पहुंचना है, देर हो रही है मुझे। तुम फिक्र ना करो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ आओ अंदर आओ, यहाँ बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। अंदर जाना मुनासिब नहीं है। मुझ पे एतबार नहीं? नहीं दिलावर, बात एतबार की नहीं है। ओबाले, चाय और कुछ खाने को लेके आ। बेटी शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, बैठ जाओगी कहीं? तौबा, ना माँ को फिक्र ना बेटी को परवाह। पता भी था कि शहर के हालात ठीक नहीं है, है? बस घर से निकलने का बहाना चाहिए, कम से कम मामू की इज्जत का ख्याल ही कर लेती। अब जो हालात है ना शहर के, कोई पता नहीं रात को वापस आ सके या ना, तो क्या तू रात भर कहीं चक्कर काटती रहेगी? वैसे तो बड़ी बीमार बनती है, बिस्तर से उठते ही मौत पड़ती है। तुझे फूफी की हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ा है? कुछ पता भी है तुझे इस घर में हुआ क्या है? सुबह से गायब है वो, है? अल्लाह रहम करे। शग्गू, बस यूं समझ कि तेरे बाप की इज्जत खतरे में है। चुप कर जा माँ, खुदा के वास्ते बस कर दे। हाय हाय, क्या हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं हुआ मुझे, जितनी फिक्र तू दूसरों की करती है ना, काश इतनी फिक्र तूने मेरी की होती, इतना ख्याल तूने मेरा रखा हुआ होता। मेरी समझ में तेरी बातें नहीं आ रही है। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुन तो सही। या अल्लाह, मेरी जरी की हिफाजत कर, उसको खैर से करना, मेरी जरी की खैर करना।
अगर मैं एक रात घर से बाहर रह गई ना तो सबकी नजरें मेरे उजले दामन को मैला कर देंगी। ना, तेरा ध्यान किधर है? तुमने कुछ खाया नहीं? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या ये खाना तुम्हें पसंद नहीं है? बर्तन भी मैले हैं लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यही कुछ मिलता है। बात बर्तनों की मैल की नहीं है, बात मेरे उजले दामन की है। अगर मैं एक रात घर से बाहर रह गई ना तो सबकी नजरें मेरे उजले दामन को मैला कर देंगी और मेरी किरदार की तरफ उठती हुई उंगलियां मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। दिलावर, मुझे घर जाना है। अगर तुम नहीं छोड़कर आ सकते हो तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम कैसी बात कर रही हो? खुदा की कसम, तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। देखो, हालात अभी तक ठीक नहीं है, पुलिस ने जगह जगह नाका लगाया हुआ है, हजूम है और मैं यहाँ तुम्हारे लिए बैठा हूँ। मुझे घर जाना है दिलावर, और हर हाल में जाना है। अच्छा तुम बैठो, मैं देखता हूँ कोई सवारी मिलती है। बंदोबस्त हो गया, आ जाओ। चलो। मेरी बच्ची। पापा, क्या आप इस तरह रोने से सारी घर थोड़ी आ जाएगी? लो, सारी आ गई। अल्लाह तेरा नाक लाग चुक करे, मेरे मालिक तेरा नाक लाग चुक करे, मेरी बच्ची घर वापस आ गई। अम्मा, खुदा से दुआ मांगती हो तो उस पर भरोसा भी रखो, वो दुआएं सुनता है। उसने आज भी तेरी सुनी है, तेरी बेटी की हिफाजत की है। तू सच कहती है जरी, दुआओं का यही सार मेरे चारों तरफ नहीं था। सच बताइएगा दादाजी, जब आप छोटे थे हफ्ते में कितने दिन स्कूल जाते थे? ओए बेहदायते हो, अपने दादे यार की कोई बात तो राज रहने दो, सब कुछ पूछता जा रहा है। ना दादाजी, हमें पता तो चले, वैसे हमें इतना अंदाजा जरूर है कि आप क्लास के लायक तक बच्चे बिल्कुल ना होंगे, फिर भी बताइए ना कितनी छुट्टी मारते थे? बेटा, ये बात पूछती पूछती सू लगाती हुई मेरी नानी फौत हो गई, तुम किस बात की मूली हो? जे पढ़ाई ना होती तो जिंदगी कितनी आसान होती। बड़ी सख्त, मैं इस मल्ले का बहुत बड़ा अफसर होता है। क्या मतलब दादाजी? बेटा, बात है तलीम की, और क्या बताऊं मैं तुम्हें, एक दफा क्या हुआ, मेरे डैडी मेरे स्कूल चले गए ये पता करने के बेटे की पोजीशन का पता करूं मैं। वहां सीधे गए हेडमास्टर के कमरे में, जाके कहने लगे ये अल्लाह बख्श नाम का लड़का है, उसकी पोजीशन क्या है। उसने सोचा, रजिस्टर्ड देखा, वो कहने लगा जी सॉरी, इस नाम का बच्चा तो हमारे पास कोई भी नहीं है। अच्छा, वो आ गए वापस
बेटा होता ये था, मैं तैयार शार हो के गले में बसा डाल के कंगी पट्टी करके स्कूल जाता था, लेकिन बार दरख्त के नीचे नान छोले खा के वापस आ जाता। हाय, स्कूल के अंदर मैं कभी गया ही नहीं था। एक दिन मेरे पास नान छोले खाने के पैसे नहीं थे यार। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर क्या होना, फिर मैंने बस्ता और अपनी किताबें रद्दी वाले को बेच दी और नान छोले और घर आके सो गया। यार बात सुनो, दादा तुम्हारा यार है ना, एक मशवरा दो मुझे। अगर मैं खजाबे इलाही लगा के तो बाल काले करके हीरो बन जाऊं तो है? ओ ना ना दादाजी। क्यों? तो बा पहले ही मोहल्ले के बच्चों को बड़ी मुश्किल से राजी किया है आपकी इज्जत करने पे हम दोनों ने। क्यों, उनको मेरी इज्जत करने पे क्या इतराज है? वो कहते हैं तुम्हारे दादाजी हमारी माओ चाचियों यहाँ तक के हमारी दादियों पर बुरी नजर रखते हैं। बकवास करते हैं, बकवास करते हैं। हाय हाय, पता नहीं किथे रह गया बदमाश दी शक्ल आला। पता नहीं आने माने इसी की खातिर मुझे छत पे आना पड़ता है। अम्मा से कितनी बार छत्तर खाया है मैंने इस मनहूस की खातिर। ओए आप भी जाओ ना, तेरे ध्यान किधर है? मैं कब से तुझे वाच कर रही हूँ। अब खाला, आज तो बड़ा मेकअप शेकअप तैयारी श्यारी, खैर तो है? मेकअप शेकअप तो बंदा किसी खुशी के मौके पे करता है ना, कोई किसी के मरने पे थोड़ी करता है। लेकिन फिर भी खाला क्या बात है, छत पे क्या कर रही हैं? नी तुम जैसियों पे नजर रखने के लिए जो इधर उधर नैन मटकाती फिरती है। हैं? लेकिन खाला मैंने क्या किया है, मैं तो देखे ना इतनी मासूम बच्ची हूँ। हाय खाला मौसम खराब हो गया, मैं जा रही हूँ। मौसम? मौसम तो ठीक है। अच्छा मौसम तो ठीक है पर तेरी नीयत ठीक नहीं। वे दा सुन वे, इधर आ, तू छत पे क्या कर रहा है? ना तू छत पे तारे गिनने के लिए आया है, इधर आ नीचे आ। आ आ अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। ना तुझे छत पे चढ़ के दिन में तारे गिनने के अलावा कोई काम नहीं है। नहीं नहीं मैं तो आंटी ऐसी छत पे आया था। ना तू तो पसीना खुश करने धूप में आया था। हाँ इंसान का बच्चा बन, नहीं तो रजिया की चवेड़े और तेरा मुंह होगा। ओ हिमा मालनी, क्या तुझे शौक है दूसरों के काम में टांगड़ाने की? हाँ ये दूसरों का मामला कब से हो गया, ये हमारे मोहल्ले का मामला है, ये हमारी लड़की है, तू मुझे जानता नहीं है। हाँ मोहल्ले का मामला है, लिहाज कर रहा हूँ मैं तेरा। वे तू क्या लिहाज करेगा, मैं भी किसी का लिहाज नहीं करती। ठहर जा तू। खाला खाला तू ठहर जा, मैं भी किसी का लिहाज नहीं करती। छोड़ो छोड़ दो मुझे आज, आज छोड़ दो, जब बंदे का बाबला है आज मैं भी किसी को नहीं छोड़ना। ओए किधर है तू बगैरत, आए आ आ आ आ बगैरत। शीना जी आ, मैं रात परेशान हो गई है ना, मोहल्ले में जिधर जिधर से गुजरा हूँ ना सब लोग परेशान हो गए थे, वो कमाला चीज ही ऐसी है। ओए तू अपने कमरे में है, ओए ये बिस्तर पे है, वो तू ख्वाबों में किधर से किधर निकल जाती है। भाई तुम तो बड़े दिलचस्प आदमी हो। भाई वाह। जी सर। भाई शीना आपसे कोई मिलने आया? मुझसे? मुझसे कौन मिलने आ गया? कमाले तू क्या कर रहा है? शीना जी आ, मैं रात परेशान हो गई है ना, मोहल्ले में जिधर जिधर से गुजरा हूँ ना सब लोग परेशान हो गए थे, वो कमाला चीज ही ऐसी है। तू इधर करने क्या आया भाई? ओ जी आप घबराए ना, मेरी ना हेडमास्टर साहब से सारी बातचीत हो गई, छुट्टी ले ली है मैंने आपकी। चले चले फौरन चले। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? भाई मेरे ख्याल में तो आपके ये जो घरेलू मामलात हैं इन्हें घर जाके तय कीजिए। नहीं नहीं सर, घरेलू मामलात भला कौन से घरेलू मामलात हैं, आप गलत समझ रहे हैं सर जी, ये मेरा सिर्फ फूफी का पुत्र है और कुछ भी नहीं। हाँ जी फिलहाल कुछ भी नहीं। भाई वैसे जोड़ी सजती है, वो क्या कहती है कि रब ने मिलाई जोड़ी, एक अन्ना तो एक कोड़ी। अभी आ रही। अरे भाई शेर पूरा तो सुनते जाते हैं।
भाई मुझसे तो शेर ही हो गया, कमाल हो गया ये। वैसे शीना ने ये क्या पसंद कर लिया भाई, शीना की आंखों का भी चेकअप करवाना पड़ेगा डस के ले जाके। दस हजार इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी मैं? अगर कुछ भी हो कहीं ना कहीं से मुझे इन पैसों का इंतजाम जरूर करना होगा, वरना मेरा तमाशा बन जाएगा। और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, और मुझे मुंह छुपाकर सर झुकाकर नहीं जीना। तो मेरे सारे ख्वाब रेजा रेजा हो जाएंगे। और ये मुझे कबूल नहीं, मुझे जिंदगी से अपना हिस्सा लेना है, हक छीनना है मुझे। देखो जरी, नन्ही को हम दोनों मिलके पढ़ाएंगे और तेरा हर ख्वाब पूरा होगा। शाहिद किस चक्कर में? मुझे नहीं पता है कि वो किस चक्कर में है, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो बहुत बुरा आदमी है, उसके इरादे मेरे लिए कुछ अच्छे नहीं है। डर मत, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। यह हरिया वाला सूट दिखाओ, ये गुलाबी, हाँ ये वाला गुलाब, ये बहुत प्यारा है। अच्छा ऐसा करो, ये नीला वाला पैक कर दो। हाँ ठीक है, हाँ वो पीछे वाला दुपट्टा वो भी बहुत प्यारा है, ये क्या करूँ। जुलेखा, जुलेखा जी, जुलेखा दुकान पे भी आ गया तू। ओए कौन सी दुकान, ओए अकल को हाथ मार। कपड़े की दुकान तो क्या, गोश्त की दुकान पे मैं सूट खरीद रही हूँ। ओए तू अपने कमरे में है, ओए ये बिस्तर पे है, वो तू ख्वाबों में किधर से किधर निकल जाती है। ये ख्वाब था, इसका मतलब है जो कुछ मैंने खरीदा था वो सब ख्वाब में खरीदा था। तू मुझे ये बताना, तूने मुझे जगाने की जिद कैसे की इस वक्त? ओए काम पे जाना है, नाश्ता बना दे। हाय नाश्ती भी नहीं दी मुझे, इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरे, मैं तुझे नाश्ता बना के दूंगी? पागल समझा हुआ, बेवकूफ समझा हुआ, समझा क्या तूने मुझे? मेरी बात सुन लो जाज साहब, आज की औरत जो है वो अपने हकूक लेना अच्छी तरह जानती है। और मैं एक बात बता दूं, सीधे हो जाओ, बहुत ही तू तड़ाक की ना तो ये जो नुक्कड़ पे पहलवान है ना उसको जाके बता दूंगी। इतनी बड़ी बड़ी गालियां बकता है वो, और फिर चूहे की तरह उसके आगे लग के भागोगे, मगर उसका निशाना खता नहीं होता, वो बगड़ बिल्ला है। ओए बस कर दे, बस कर दे, बोलती बोलती मोटरवे पे चढ़ गई है। ओए कम से कम सांस लेने के लिए तो जगह रख ले। पैसे निकाल, तू पैसे निकाल, बस जल्दी निकाल। पैसे क्या, नाश्ता बाजार से मंगवाना है? बाजार से नहीं मंगवाना, वो सूट लेके आने जो मेरे दुकान पे रह गए तेरी बेवकूफी की वजह से। ओए, ओए क्या कह रही है तू? ठीक कह रही हूँ, ज्यादा बातें की वरना जाऊं पहलवान के घर। ये ले बैठो, सारे फड़ाओ ना। वैसे ना जाट साहब, जब आप लूटते हो ना तो बहुत प्यारे लगते हो, बिल्कुल नेरे में ना हमारी सैयद लगते हो। नेरे में? वो भी है नेरे में हमारी सैयद, कम से कम तो मुझे दिन के उजाले में कह जाती तो मुझे हमारी सैयद लगता है, मुझे कितनी खुशी होती। मेरी अखा सही ने कुकरे नहीं पाए हुए। मेरे खुदाया शीना जी, शीना जी, उर्दू का कत्लेआम क्या लिख दिया ये? सर, सर बुलाया आपने मुझे जी।
ये जसारत हम ही नहीं की आपको बुलाने की, और जहीर नसीब के आप यहाँ तशरीफ लाएं। शीना जी, हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आप जितना वक्त क्लासेस को देती हैं उससे कहीं ज्यादा वक्त आप अपने ऑफिस में विराजमान रहती हैं। सर आप बोले ना तो मैं सारा दिन इस कुर्सी पे आपके दफ्तर में बैठी रह सकती हूँ। भाई मुनासिब, ये मुनासिब रहेगा, ये जवाब सही है आपका। सच्ची मुच्ची सर। अब यूं कीजिए, अब भाग के जाइए और एक पेंसिल और कॉपी लेकर आइएगा, क्योंकि ये हम आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सर क्यों? हाँ, ये एक और बड़ा इंटेलिजेंट सवाल के वो क्यों, हम आपकी उर्दू की इमला ठीक कराएंगे। शीना जी, इंग्लिश में तो खैर आप पैदल हैं ही, अब उर्दू में आपने जो जुल्म और सितम ढाए हैं उससे मासूम बच्चे और उनके मासूम वालिदैन, उन पर क्या गुजरी होगी, कभी सोचा आपने? सर ये किसी दुश्मन की साजिश लग रही है मुझे। साजिश? जरा करीब आइएगा। अरे हमारे नहीं, इस कॉपी के। ये मुलाहिजा फरमाइए, ये सूफिया को सोफा आपने लिखा, और ये क्या ऐन से आम लिख दिया और इसे शारा आम कर दिया। खुद आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह, मैंने ऐसी टीचर कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। सर मेरी बात सुने आप, मैंने जिस स्कूल से एजुकेशन ली है ना उधर उर्दू को इतनी अहमियत देते ही नहीं है। भाई हमारी नाकिस राय के मुताबिक तो वहां तालीम को भी अहमियत नहीं देते होंगे वो। सर आप ना अफसर है और बुजुर्ग भी। देखिए अफसर तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बुजुर्ग वाला मजाक हमें पसंद नहीं है। हाँ है वो, ठीक है जी आप बेइज्जती का हक रखते हैं, पर बंदा मौका महल भी देख ले। शीना जी वाखुदा हमारा ये मकसद नहीं था कि आपकी दिल आजारी हो। इट ओके। हाँ अब ऐसा कीजिए, अब आप क्लासरूम में जाइए और जाकर बच्चों को जरा डांस की तरबियत दीजिएगा, क्योंकि फंक्शन बिल्कुल सर पे आ गया और हमें यकीन है कि जब आप बच्चियों को ट्रेनिंग कराएंगे डांस की तो हमारे स्कूल का बहुत रोशन करेंगे। सर आप फिक्र ही नहीं करें, मैं ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगी, बच्चे ऐसा डांस करेंगे, अगर कोई फिल्म का डायरेक्टर इधर से गुजर से गया ना तो सारी लड़कियां सिलेक्ट हुई की हुई। खुदा जिंदगी दे आपको, जाइए जरा क्लासों पर तवज्जो दीजिए, जाइए। हाय चाट मसाले के स्टॉल पे ना मैं ड्यूटी लगवाऊंगी, खट्टी मीठी चाट। गोलगप्पे बनवाइएगा खट्टे मीठे पानी के साथ, वे हम बड़े शौक से खाते। ओह मेरे खुदा, तलवारें चला दी उर्दू पे, तलवारें चला दी। फिर किधर चला गया, कुछ पता है कितने का है? बड़े आराम से कह दिया, मैंने तो नहीं देखा। कौन कौन आया था घर में? कोई भी नहीं जी, कोई भी नहीं आया था जी। और दिमाग पे जोर दे अगर है तो। हाँ कल शग्गू आई थी जी। देख फहमीदा, अगर तू मेरा ये काम कर देगी ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। हाँ तू ऐसा कर, कल शाम में ले जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, कल तो मुझे अनवर के साथ कहीं जाना है। तरस खाओ मुझे, अगर तू मेरा ये काम कर देगी ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। ओ पुत्र तेरी मत मारी गई है। बेटा जो कुड़ी बेचारी कार में आएगी आखिर उसके भी कोई अरमान होंगे, उसके लिए शीशे वाला कार बना जिसमें शीशे शीशी लगे हो। आहो ताकि मल्ले के निकम्मे बच्चों को भी काम मिले, सारा दिन शीशे से चातियां मारते रहेंगे। दुरून शहर की गलियों में दुख सुख की फूल फुलाइयों में, दुरून शहर की गलियों में दुख सुख की फूल फुलाइयों में होता है हल्ला गुल्ला रे।